अभी थोड़ी देर पहले टीवी के एक चैनल पर मैंने एक डिबेट देखा, जिसमें आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले एक हमारे एक मुसलमान लीडर ये फरमा रहे थे कि मुसलमानों को बकरीद पर कुर्बानी नहीं करना चाहिए और ये एक जानवरों का कत्लेआम है, बिला वजह इस तरह जानवरों का खून नहीं बहाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो उनके हमनेवा थे बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो भी उनकी बात को बहुत ताकत से सपोर्ट कर रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की तारीख भरी पड़ी है मिल्लत फरोश, कौम फरोश, वतन फरोश, ईमान फरोश और गद्दार लोगों, गद्दारों ने हमेशा तारीख में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं और पूरी मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया है। तारीख के औराक को अगर आप उल्टें तो आप देखेंगे कि शहीद आजम टीपू सुल्तान को भी ऐसे ही गद्दारों की वजह से अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने में नाकामी हुई थी और जंग हारना पड़ी थी। इसी तरह आप देखेंगे कि मुजाहिद आजम नवाब सराजुद्दौला को हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई से 100 साल पहले 1757 में जब उसने अंग्रेजों को निकालने का आज़म किया था, तब भी ऐसे ही गद्दार थे, वतन फरोश थे, कौम फरोश थे, जिन्होंने धोखा दिया और वो कुछ भी नाकाम हो गई। और एक बात साफ तौर से सब लोग समझ लें कि मुसलमान इस कौम का, इस मुसलमान इस मुल्क का वफादार शहरी है, वो यहाँ पैदा हुआ है या जिंदा है और यहीं दफन होगा। और जब भी मुल्क और कौम ने आवाज़ दी है, पुकारा है वतन ने, मादरे वतन की आवाज़ पर मुसलमान का बच्चा बच्चा आगे आया है और अपनी आखिरी सांस तक अपने खून का हर कतरा मुल्क के देने के लिए तैयार रहा है। और आज भी जब भी कभी मौका आया और कोई हमला हुआ हिंदुस्तान पर, चाहे वो चीन से हो या पाकिस्तान से, नेपाल से हो या अफगानिस्तान से, मुसलमान का बच्चा बच्चा अपने खून का आखिरी खतरा बहा देगा और हिमालय की पहाड़ियों पर अपने खून से फूल खिलाएगा और किसी को एक ही जमीन में कब्जा नहीं करने देगा। और कभी भी मुल्क की तरक्की पर, मुल्क के आगे बढ़ने में, मुल्क के तावेदी काम करने पर उसको अपने पसीने का खून बहाकर देना पड़ेगा तो दे रहा है और देता रहेगा। लेकिन मैं ये वार्निंग दे रहा हूं ऐसे गद्दारों को और कौम फरोशों को, वतन फरोशों को, ईमान फरोशों को, मिल्लत फरोशों को, जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, और इनके साथ उनको सपोर्ट करने वाले बाकी लोगों को, कि मुसलमान कुछ भी कर सकता है मुल्क के लिए, लेकिन अगर किसी ने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों या होम मिनिस्टर हों या भारत सरकार हो या बीजेपी के लीडर हों या और लोग कहीं हों, अगर मुसलमानों के मजहबी अकायद में, उनकी मजहबी रसूम में, उनकी हमारी ट्रेडिशंस में, कन्वेंशन में, आदाब में अगर किसी किस्म का खलल डालने की कोशिश की तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। और मैं कहना चाहता हूं कि लोग ये नहीं समझें कि राज तलवार उठाना सिर्फ राजपूत, मराठे, जाट या गोरखे ही जानते हैं। अगर मौका आया तो मुसलमान भी अपने मजहब की हिफाजत करने की तलवार उठाएगा, मुकाबला करेगा हर ताकत से जो इस मजहबी अकायद में दखल देना चाहती हैं और हमारी रिवायत खत्म करना चाहती हैं। हम अपने खून से एक नई तारीख लिखेंगे, तारीख के सफात पर अपने खून से एक नया बाब लिखेंगे, तो आने वाले दस्तों के लिए मछले रहा रहेगा। तो मैं ऐसे गद्दारों से कहना चाहता हूं और इनके इन सपोर्ट करने वाले लीडरों से कि मुसलमानों को एक सोए हुए शेर को नहीं जगाएं और उनके मजहबी मामलात में किसी किस्म का दखलंदाजी न करें, वरना खतरनाक नतायज बराए होंगे। और मुसलमान डरता नहीं किसी से, मतलब न डरता है मोदी जी से, न डरता है अमित शाह जी से, न डरता है आरएसएस से और न डरता है बीजेपी से और उसके नेताओं से। और जो लोग बात करते हैं कि कत्लेआम होता है जानवरों को मारने में ईद के ऊपर, ये हमारे मजहबी अकायद में दखलंदाजी है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस गद्दार मुसलमान से पूछना चाहूंगा मैं, उसने ये नहीं पूछा कि गाय के नाम पर तुम मासूम मुसलमानों को मामलती करते हो, हलाल करते हो, उनको सागनों की मांग का सिंदूर पूछते हो, हमारी माओ बहनों के हाथों की चूड़ियां टूटते हो, बच्चों को यतीम करते हो, माओ की गुदे खाली करते हो, बेस बेकरी में इंसानों को जिंदा भूनते हो, बेक कर देते हो, जला देते हो, फर्जी इनकाउंटर में कत्ल करते हो,
फर्जी मुकदमा में उनकी जिंदगी अजाब कर देते हो। अगर इतना ही सोचता है यहां सोचे बात को बुला के, हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं हर बात को बर्दाश्त कर रहे हैं और हर बात से लड़ रहे हैं, हम आगे लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर मजहबी मामला में दखल देने की इस तरह कोशिश की गई तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा और इसके लिए खून खराबा जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी और वो लोग होंगे जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरी वार्निंग है, सब इस बात को अच्छी तरह सोच ले। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।